गाइस आपके लिए जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है एक साथ जो है आपके दो नोटिस आई हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं। तो आपको पहले सबसे पहले जो है बता देते हैं कि पहले पीडीएफ में क्या बताया है। तो गाइस मेरी थोड़ी सी जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको जो है ये पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, तो देखिए ये रहा, यहाँ पर देखिए सिंपली बताया गया है, आप देख सकते हैं यह नोटिस जो है अभी अभी मतलब कि 31 जनवरी को आया है, यहाँ पर डेट भी मेंशन की हुई है, ठीक है? तो ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल साइट है और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एसएससी हेडे में यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन किया गया है। मैं आपको जो है मेन मेन चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर बताया क्या गया है, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि एसएससी में जो है आपके 19,734 की जो है गाइज 19,734 की विद्यार्थियों के लिए फिर से जो है एक्स्ट्रा एडिशनल वैकेंसी बढ़ाई गई है। जो आपकी पहले थी ना जीडी की वैकेंसी जो निकली थी, उन्हीं को जो है फिर से फिलअप किया गया है। तो आपकी ये वैकेंसी जो है इसमें निकली है। और दूसरे नोटिस में यहाँ बताया गया है कि आप जो है PST और PET का जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें ये बताया गया है कि ये जो है आपकी फिजिकल डेट जो 19,734 की आई है, ये आपकी फिजिकल जो होने वाला है ये 3 फरवरी से लेके आपका 20 फरवरी तक होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपके दो पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इस वाले पॉइंट में आते हैं, लास्ट वाले पॉइंट में, तो इसमें बताया गया है ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट में आपके लिए बताया गया है कि जब एसएससी जीडी के 273 विद्यार्थियों को, देखिए 273 कैंडिडेट, जब 273 विद्यार्थियों को पीएसटी और आपका पीईटी में जो है उपस्थित होने का जो है मौका नहीं मिला था, मींस कहने का मीनिंग है जब आपका रिजल्ट आया था तो संशोधित की वजह से आपका वो जो है रिजल्ट जो आया था तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था पीएसटी और पीईटी में, तो लेकिन अब आपको जो है ये मौका दिया जा रहा है। तो ठीक है, ये तो रहा पहला पीडीएफ। अब दूसरा जो है पीडीएफ उसको आपको बता देते हैं उसमें क्या बताया गया, ठीक है? देखिए ये जो है ये दूसरा नोटिस है, इस नोटिस में बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन करके दिया गया है और ये ही चीज़ यहाँ पर हिंदी में मेंशन करके दी गई है। तो ये जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये आई है कि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को दलालों द्वारा सिपाही जीडी परीक्षा 2018 में अंतिम रूप से चयनित करने जाने के लिए सीधे संपर्क करने के लिए हजारों रुपयों की मांग की जा रही है। तो सभी अभ्यर्थियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया ऐसे दलालों की बातों पर विश्वास ना करें और किसी भी राशि का भुगतान ना करें। यदि उन्हें ऐसे कोई फ़ोन कॉल आते हैं तो लोगों के पास नाम पता एवं फ़ोन नंबर जो हैं वो निम्नलिखित हेल्पलाइन पर दें, ये जो है नीचे जो है, या फिर इस वाली ईमेल पर जो है आप लोग डायल कर दें। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, मैं आपको बताऊँ ये जो बहुत से लोग होते हैं जो दलाल होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस तरह जो है आप इस वाली वेबसाइट पर जाइए और इस तरह आपने जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपको ऐसे कोई फेक कॉल आते हैं तो ये जो है इनकी CRPF वालों की ऑफिशियल वेबसाइट का हेल्पलाइन नंबर है, आप देख सकते हैं 0012616022 5। और ये जो है ये ईमेल आप जो है डायरेक्ट या फिर इन्हें इस वाले पर ईमेल कर सकते हैं जो कि दिया गया है direct@crpf.gov.in। तो ये थी वो ज़रूरी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।